लंपी स्किन डिजीज हमारे देश में काफी तेजी से फैल रही है और इस बीमारी के कारण करीबन 1,00,000 से ज्यादा गायों की मृत्यु हो चुकी है। आइए जानते हैं लंपी स्किन डिजीज के बारे में और कैसे हम इस बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज या लंपी चमड़ी रोग केवल गौवंश और भैंस को प्रभावित करता है। ये बीमारी इंसानों को प्रभावित नहीं करती है। ये बीमारी सबसे ज्यादा गर्मी और बरसात के मौसम में फैलती है। त्वचा में सूजन व मोटी मोटी गांठें, आहार खाने में परेशानी, कमजोरी व दूध उत्पादन में कमी। इस बीमारी से गर्भपात, वजन में कमी और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। ये बीमारी ज्यादातर मक्खियों, मच्छरों या चीचड़ जैसे कीड़ों के काटने से होती है। संक्रमित पशु के सीधे संपर्क में आने से भी ये बीमारी फैलने का खतरा है। लंपी स्किन डिजीज के सिम्टम्स है तेज बुखार, भूख न लगना और दूध उत्पादन में गिरावट। गांठों की संख्या में कुछ कम से लेकर पूरे शरीर पर हो सकती है और हो भी सकता है कुछ पशु संक्रमित होने के बावजूद ये लक्षण ना दिखाएं। इस रोग के खिलाफ कोई भी प्रभावी उपचार नहीं है, हालांकि आप होम्योपैथिक या घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बुखार के लिए गिलोय के पत्ते, इन्फेक्शन के लिए लहसुन प्याज और गांठे फट जाने पर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने गोवंश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? आप अपने 4 महीने से ऊपर के गायों का टीकाकरण या वैक्सीनेशन जरूर कराएं। आप अपने आसपास के जगह को साफ रखें और कीटनाशक स्प्रे का नियमित रूप से इस्तेमाल करें। आप अपने वाहनों, उपकरणों और जूतों को साफ रखें ताकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम रहे। इन सब चीजों का ध्यान रखकर आप अपने गायों को लंपी स्किन डिजीज से बचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है लंपी स्किन डिजीज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।